नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग एवर। बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ और आई होप आप सबको बहुत ही पसंद आए और मैं दिल से कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों से शेयर करूँ। आज का कंटेंट ये है कि मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ। मैं एक लद्दाखी गर्ल हूँ। लद्दाख से एक छोटा सा गाँव जिसका नाम आर्यन वैली गरकोंद है, मैं वहां से हूँ। तो गाइज, आज का कॉन्टेंट ये है कि जो हमारा वहाँ का कल्चर है, हमारे वहाँ का फंक्शन है, हमारे वहाँ के लोग है, वो काफी डिफरेंट और काफी यूनिक माना जाता है लद्दाख में। तो तभी तो मतलब बाहर से जो टूरिस्ट वाले हैं, बाहर से जो इंडियन डोमेस्टिक वाले हैं, काफी लोग वहाँ के कल्चर को देखने के लिए आते हैं। तो मैं भी चाहती थी मेरा जो फर्स्ट कंटेंट हो वो मैं अपने कल्चर के ऊपर बनाऊं। तो हमारे वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, बोनोना फेस्टिवल। वो आता है 3 ईयर्स के बाद, हमेशा मतलब 3 साल के बाद हमेशा स्टार्ट होता है। तो वो है आज 21 से स्टार्ट। तो मैं अभी रिसेंटली जम्मू में हूँ, तो आज ही निकल रही हूँ, 2-3 बजे निकल रही हूँ। तो मैं सीधे वहां पे जाके वहां पे पहुंच के आप लोगों को हर एक फंक्शन अच्छे से दिखाऊंगी। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच गई अपने गांव आर्यन वैली। तो मैं लगभग रात को 5 बजे पहुंच गई थी यहाँ पे। तो आज जो है बोनोना फेस्टिवल का फर्स्ट डे है और आज अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे, मतलब जहाँ पे हमारे गांव में एक जगह है वहाँ पे हर फंक्शंस होते हैं। तो मेरे साथ बने रहे, मैं ज़रूर आप सबको फंक्शंस दिखाऊंगी। और ये रही मेरी फ्रेंड, हाय थिले। तो हम जा रहे दोनों रेडी होके, फिर दिखाएंगे आपको फंक्शंस। अभी टाइम बच रही है कोई 7-8 बजे और हमारी जो फ्रेंड है उसका बर्थडे है, तो हमने केक लाया हुआ है और हम उसको सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं। फंक्शन, आज का फंक्शन खत्म हो गया है और अभी हमारी फ्रेंड का बर्थडे है, तो हम वहां जाएंगे उसको सरप्राइज लेके जा रहे हैं केक। आज फंक्शन का दो दिन हो गए हैं, तो आज सेकेंड डे फेस्टिवल है। तो हम जा रहे रेडी होके और ये रहे मेरे फ्रेंड्स, हाय। फिर हम सारे रेडी होके अभी निकल रहे हैं। जो फेस्टिवल है वो कल भी हो गया है, आज भी हो गया है। कल जो है वो कल तो मतलब कुछ घंटे का फेस्टिवल था और जो आज है वो डबल फेस्टिवल है। लाइक अभी लगभग 6-7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ घंटे चलता है लाइक 9 बजे तक। उसके बाद डिनर का टाइम होता है, डिनर करके फिर से आते हैं तो फिर से फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ओबियसली बहुत सर्दी भी है और मज़ा भी आ रहा है, जो हमारा फेस्टिवल ही ऐसा है। अगर इस फेस्टिवल के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊँ, तो ये मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये आप मुझे एक चीज़ ऑलरेडी पता भी था और अभी भी पता चली है, जो 3 साल के बाद क्यों आता है। 1 साल जो है वो हमारे दूसरे गांव में दूसरे गांव में होता है, जो दूसरा है वो सुना है पाकिस्तान में, जो हमारा थोड़ा हिस्सा गया है तो वहां पे मनाते हैं, जो तीसरा है वो हम मनाते हैं। तो इसीलिए 3 साल के बाद ही आ जाता है। तो अभी वही फेस्टिवल, जैसे इस फेस्टिवल में खास जो चीज़ है वो क्या है कि मतलब किसी के भी घर जाओगे तो हर किसी का घर खुला रहता है, वो लोग मोस्ट वेलकम करते हैं, खाना पीना हर चीज़ मतलब बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो हमारे फेस्टिवल का यही खूबी है। तो चलो फिर हम चलते हैं आगे। Yeah!
तीनों फिर से रेडी होके जा रहे हैं फेस्टिवल के लिए। आज फेस्टिवल का थर्ड डे स्टार्ट है, तो आज थोड़ा बहुत सर्दी है इसीलिए हमने बड़ी बड़ी स्वेटर डाली है। और हम अभी रेडी होके बस निकले हैं घर से, और आप थोड़ा सा हमारा गांव देख सकते हो। हमारे गांव का मतलब जो हाल है वो अभी इस टाइम पे इतनी भी यहाँ सर्दी नहीं होती है, बहुत कम सर्दी होता है, लाइक एस कंपेयर करगिल से या ले से यहाँ बहुत कम सर्दी होती है। तो इसीलिए ये जो पत्ते हैं देखो कितने अच्छे कलर हुई है। तो बस गाइस फिर थोड़ा फंक्शन दिखाऊंगी आप लोगों को आज। फिर मेरे साथ जुड़े रहे। बाय बाय चलिए।